स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 12 फिजिक्स का, जो है आपकी क्लास 12 फिजिक्स की बुक में आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ही हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर से बार बार पूछे जा रहे हैं, और ऐसा इतिहास में पहली बार होगा कि सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी फिजिक्स की बुक निकालनी है, क्योंकि आप उस बुक को कभी नहीं देखते हैं। आपको जरूरत है कि आप समझें कि आखिरकार एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें दी गई हैं और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको एक्चुअली में अपने एग्जाम से पहले करके जाना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे फर्स्टली हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को लेकर। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में आप देखेंगे, आपको बच्चों अपने पेज को आगे की तरफ बढ़ाते जाना है, क्योंकि जब भी आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा तो मैं आपको नोट करवा दूंगी। उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कौन सा पोर्शन जो है वो आपकी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए जो है डिलीटेड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्टली अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो ये जो एग्जाम्पल 1.2 है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम्पल 1.3 भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से कर लेने हैं बच्चों। यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, पेज नंबर 11 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ पेज नंबर 13 की। तो पेज नंबर 13 में जो एग्जाम्पल 1.4 है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये एग्जाम्पल भी कर लेना है। प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है बच्चों, तो ऑफकोर्स आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 1.5 की, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1.6 की। तो एग्जाम्पल 1.6 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वेक्टर से रिलेटेड नॉर्मली सॉल्व करना है फोर्सेस की वैल्यू को, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर बात की जाए भाई एग्जाम्पल नंबर 1.7 को लेकर, तो ये आपका बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, इसको आप स्किप कर सकते हैं अगर आप आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस को करें, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे अगर मैं फर्स्टली बात करूँ, अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें, एग्जाम्पल नंबर 1.8 जो है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, और एक बार ये पूछा भी गया था अभी रिसेंटली, तो आपको ये एग्जाम्पल भी कर लेना है। आप सोच रहे होंगे कि मैम आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स बताते जा रही हो, मोस्टली एग्जाम्पल तो आप करने को ही कह रही हो। तो बच्चों, एक बहुत सीक्रेट बात है कि फिजिक्स में आपके एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल जो है वो फिजिक्स की एनसीईआरटी में सॉल्व है, और कोई बच्चा भी उसको मतलब अगर सॉल्व करता है, अगर वो एनसीईआरटी के वे में करेगा, उसको प्रॉपर वैल्यू दी गई है हर आंसर की, तो मतलब कोई भी इस बात को लेकर वो नहीं उठा सकता कि भाई नहीं इसको तो ऐसे सॉल्व करना चाहिए या वैसे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन दिया गया है भाई, तो आपको वैसे ही करना होगा, है ना। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझ रहे होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें अपने आगे की तरफ बच्चों, हम बढ़ रहे हैं, हम लोग 25 पेज नंबर पे पहुंच चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये वाला टॉपिक हर बच्चा करके जाएगा, जरूर से जरूर करके जाएगा, फॉर पॉइंट ऑन द एक्सिस, ये तो करना ही करना है। साथ में बच्चों बहुत ही सीक्रेट सी बात है कि इक्वेटोरियल वाले प्लेन के लिए भी करना है, दोनों ही डेरिवेशंस बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर बात करूँ एग्जाम्पल नंबर 1.10 को लेकर, तो वो भी आपको कर लेना है, क्योंकि ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, मेरी गलती नहीं है, मैं चाहती हूँ आप लोग पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आओ, चाहे जमीन आसमान ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आपको तो करना ही होगा जो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें एग्जाम्पल नंबर 1.1 की, तो ये भी साथ में आपको कर लेना है, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1.2 ये भी आप कर लेंगे, ये सिलेंड्रिकल वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर हम आगे की तरफ बढ़े एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो यहाँ पे बच्चों ये जो ये वाला टॉपिक है फिल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इंफिनिटी प्लेन शीट, तो आपको ये वाला टॉपिक जरूर से जरूर करके जाना है बच्चों, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1.3 जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको कर लेना है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे पहुंचने वाले हैं आगे की तरफ। अब ये समरी वमरी बच्चों, एक बार हर बच्चा समरी पढ़ के जाएगा एग्जाम से पहले, कोई बच्चा एनसीईआरटी को छू ही नहीं रहा, ये क्या बदतमीजी है बच्चों। समरी आपको जरूर पढ़नी चाहिए, एक बार फॉर्मूला पढ़ लो, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लो, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है एनसीईआरटी में भी, अगर आप लोग चाहोगे तो, है ना। पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ लो, अगर फालतू का टाइम है, फालतू के गप्पे लड़ाते रहते हो यूं ही, यू नो लंच वंच में कई बार आप लोग फालतू टाइम में, उस टाइम पे पॉइंट टू पॉन्डर पे डिस्कशन कर लो सारे बच्चे मिलके। अब भाई बहुत जरूरी है आपको डिस्कशन करना, ग्रुप स्टडी करना। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आप लोग करेंगे 1.9 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ 1.10 वाला करना है, 1.11 वाला करना है, ओके। एंड इसके साथ ही आपको करना है 1.18 वाला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
उसके साथ ही एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन, बच्चों को लगता है कि मैम एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या ही करना, लेकिन एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1.25 वाला क्वेश्चन हर बच्चा करके जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते बच्चा, केवल कुछ ही कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं और केवल आपको वही करके जाना है जो मैं बताऊंगी, सारे नहीं करोगे। 1.27 वाला क्वेश्चन भी आपको साथ में कर लेना है, गॉट इट। अब हम आगे की तरफ देखते हैं, हम लोग बच्चों चैप्टर सेकंड पे पहुंच चुके हैं, बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। फटाफट से चैप्टर नंबर सेकंड खोलोगे आप लोग और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें भाई इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें करके जाएंगे एग्जाम से पहले। सबसे पहले आ जाओ पेज नंबर 54 पे, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 2.3 वाला टॉपिक। ये पूरा डेरिवेशन, ये पूरा ग्राफ के साथ आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2.1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ ही आपको कर लेना है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कि आपके पेज नंबर 55 पे दिया गया है, गॉट इट। उसके साथ ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग अपने पेजेस को खोलते रहते हैं, एनसीईआरटी इतनी मोटी बुक है बच्चों, हम क्या ही करें, ऐसा लगता है क्या ही करें मैम। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा अपने एग्जाम से पहले इसको करके जाएगा, कोई बच्चा भी इसको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे पेज नंबर 63 का, एग्जाम्पल नंबर 2.4 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2.5 हर बच्चा करके जाएगा, गॉट इट। उसके साथ ही बच्चों अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रो, ये हम लोग पेज नंबर कहाँ पे पहुंच चुके हैं, 68 पे, गॉट इट। पेज नंबर 68 पे हम लोग पहुंच चुके हैं बच्चा पार्टी। तो हम आगे की तरफ बढ़ते देखते हैं क्या क्या चीजें हैं एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट सी, सिर्फ वही करना है हमें, हम चलाक बच्चे हैं। अब फटाफट से आ जाओ आप लोग पेज नंबर 74 पे आ जाओ, पेज नंबर 74 पे 2.12 वाला टॉपिक जो कि है द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हर बच्चा करके जाएगा, गॉट इट। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 75 पे है 7.13 इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस, गॉट इट। अब बच्चों आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2.8 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्लैब वाला क्वेश्चन है पेज नंबर 77 पे, गॉट इट। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 79 पे, एग्जाम्पल नंबर 2.9 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा पार्टी हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये आपका जो है पेज नंबर 80 पे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को कोई भी बच्चा जो है नहीं छोड़ेगा और अच्छे से करके जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हम थोड़ा आगे की तरफ देखते हैं क्या क्या चीजें हैं भाई। तो यहाँ पे एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन करना है आपको, एक्सरसाइज का 2.3 वाला क्वेश्चन आपको करना है जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स तभी मैं कह रही हूँ। एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको करना है 2.12, उसके साथ ही आप कर लेंगे 2.14, और ये 2.20 वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही आपको जो कर लेना है बच्चों 2.25 वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको कर लेना है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सी एनसीईआरटी में है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में अब हम लोग आने वाले हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पेज नंबर 97 पे आ जाओ बच्चों। पेज नंबर 97 पे जो है आपका जो आपका टॉपिक है 3.5 वाला, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको कर लेना है। एग्जाम्पल नंबर 3.1 काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको करना है, इसके साथ ही आप लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3.2 जो कि एज अ कॉन्सेप्चुअल आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे की तरफ देख लेते हैं क्या है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताना चाहती हूँ कि जो कार्बन रजिस्टर वाला टॉपिक है वो आपके सिलेबस से कट हो गया है, तो इस पे क्रॉस का निशान लगाओ हर बच्चा, आओ हर क्रॉस का निशान लगाओ कि मैम हमें तो ये नहीं पढ़ना है, हम फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में नहीं आने वाला है। अब फटाफट से आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3.3 पे, काफी इंपॉर्टेंट है, ओके हर बच्चा करके जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3.4 भी आप लोग कर लेंगे क्योंकि वो भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेज नंबर 107 पे आ जाओ, इस पे क्रॉस का निशान लगाओ, कट्टा कट्टा का निशान लगाओ कि ये जो टॉपिक है वो मैम एग्जाम में नहीं आएगा तो हम लोग नहीं करके जाएंगे, गॉट इट। अब फटाफट से बच्चों आगे की तरफ बढ़ो, फटाफट से आगे की तरफ देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 3.6 काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3.7 वाला भी आप लोग कर लेंगे, रजिस्टर आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, खासकर ये वाला पूछा जाएगा बच्चों तो इसको कर लेना है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज आपका काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे एकदम लगाओ कि मोस्ट वाला इंपॉर्टेंट मैम, मोस्ट वाला, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ आ जाओ बच्चों, मीटर ब्रिज का सिर्फ आपको मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस आना चाहिए, बट फिर भी बच्चों एक बार इसको कर लेना क्योंकि ना मतलब कुछ भी जो है ना सीबीएसई वाले दे देंगे, बाद में कहेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस ही आपको क्या लगता है।
तो आप लोग फंस जाएंगे, आपकी गलती है, फिर बच्चों देख लेना। मैं तो नहीं चाहती कि आप लोग के नंबर कटे, आगे आपकी मर्जी है। एग्जाम्पल नंबर 3.9 वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, पोटेंशियोमीटर हर बच्चा करके जाएगा, अच्छे से इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम वगैरह बना लेना, देख लेना क्या क्या है ना। और ये तो बता ही दिया बच्चों, पॉइंट्स टू पॉन्डर समरी पढ़नी, कितनी बार बताऊं बताओ। अब एक्सरसाइज पे आ जाओ, एक्सरसाइज का आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन करना है, 3.1 करना है, 3.2 करना है मैम, 3.3 करना है, इसके अलावा 3.4 करना है, उसके आगे कुछ भी हमें नहीं करना है, हम फालतू के क्वेश्चंस नहीं करके जाएंगे। उसके अलावा आपको करना है 3.11 वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, और उसी के साथ आपको करना है 3.15 वाला क्वेश्चन, 3.16 वाला क्वेश्चन, ठीक है। और एक निशान लगाओ बच्चों, निशान लगाओ कि 3.20 वाला आपको स्ट्रिक्टली नहीं करना है, कतई नहीं करना है, क्योंकि ये वाला जो है सिलेबस से, आउट ऑफ सिलेबस वाले पोर्शन से ये क्वेश्चन है, तो इस वाले एग्जाम्पल को आप कतई नहीं करके जाओगे, और 3.21 वाला क्वेश्चन कतई नहीं करके जाओगे, कतई आपके सिलेबस से बाहर का है, तो हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिना सिलेबस वाली चीज़ों पे, फालतू में माथा मार के, है ना, दिमाग नहीं मारेंगे उस पे। चैप्टर 4th पे आ जाओ बच्चा पार्टी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4.1 कर लो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4.1 कर लो, ठीक है, अच्छे से कर लो। 4.2 वाला मत करो, 4.2 वाला स्किप कर देंगे हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4.3 करेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई, ऑफकोर्स इसीलिए करेंगे, वरना हम क्या क्या समझ रखा है हमें। साइक्लोट्रॉन आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, आपको नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं करके जाना है। और साइक्लोट्रॉन पे बेस्ड एक क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी में, तो वो भी आपको ऑफकोर्स नहीं करना, क्योंकि भाई हम क्यों करेंगे। तो एग्जाम्पल 4.4 पे कट लगाओ फटाफट से। उसके अलावा आ जाओ आप पेज नंबर 143 पे आ जाओ, एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट बायोट सावर्ट्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4.5 है वाला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब फटाफट से 4.5 वाला मत करना एग्जाम्पल, और ये आ जाओ, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप, तो ये वाला आपको जो है टॉपिक कर लेना है। एग्जाम्पल नंबर 4.6 आप लोग नहीं करेंगे, 4.7 वाले पर टिक मार्क लगाओ इंपॉर्टेंट का। नेक्स्ट एम्पियर सर्किट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा अच्छे से करके जाएगा इस टॉपिक को, कोई भी नेग्लेक्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल नंबर 4.8 हर बच्चा करके जाएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं सोलेनोइड पे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो सारे बच्चे करेंगे सोलेनोइड वाले टॉपिक को, ठीक है। अब आगे आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 4.9 बहुत इंपॉर्टेंट है, 4.9 वाला टॉपिक भी साथ में इंपॉर्टेंट है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट, करेंट्स द एम्पियर, ओके, ऐसा कोई टॉपिक है बच्चों, बड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को पढ़ने में, बट देख लो ये इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 4.10 बहुत इंपॉर्टेंट है, 4.10 वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, टॉर्क ऑन अ करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4.11 पे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मैम, इसीलिए हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 4.12, स्किप करो, बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पेज नंबर 162, ठीक है, इसमें जो टॉपिक है 4.10.3 वाला, द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये पूरा पूरा करके जाओगे। इसके अलावा द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको साथ में कर लेना है। और यहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले एग्जाम्पल नंबर 4.13 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, तो ये भी आपको करना है। अब फटाफट से आप लोग आगे की तरफ आ जाओ, देखते हैं कि अब क्या क्या करना है बच्चों और क्या नहीं करना है। 4.13 वाला टॉपिक, 4.13 वाला क्वेश्चन बच्चों करना है, ठीक है, एक्सरसाइज का। पेज नंबर 169 की बात कर रही हूँ, अब आ जाओ पेज नंबर 170 पे, 4.17 वाला क्वेश्चन करो, ठीक है, 4.17 वाला। उसके साथ ही 4.19 वाला क्वेश्चन करोगे, 4.21 वाला क्वेश्चन, एंड उसके साथ ही आपको करना है 4.24 वाला क्वेश्चन, ठीक है, 4.24 वाला क्वेश्चन करोगे, पेज नंबर 171 की बात कर रही हूँ। आगे आ जाओ, 4.25 वाला क्वेश्चन करोगे, है ना, और 4.26 वाला क्वेश्चन करोगे। अब आगे आ जाओ, चैप्टर नंबर 5th पे आ चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, गॉट इट। अब फटाफट से देखो बच्चों, टाइम ही नहीं है हम लोग के पास, फटाफट से निशान लगाएंगे। ये जो टॉपिक है 5.2.2 वायर मैग्नेटिज्म इक्विवेलेंट सोलेनोइड, या किस सिलेबस से रिलेटेड है, इस पे कट का क्रॉस का निशान लगा, हर बच्चा क्रॉस लगा, क्रॉस, ठीक है, ये यहाँ पे क्रॉस लगाओ, ये सारा टॉपिक नहीं आएगा, फुल्ली क्रॉस लगाओ, अभी क्रॉस लगाते रहो मजे में, ये क्वेश्चन नहीं करना, स्ट्रिक्टली मना, क्योंकि सिलेबस में नहीं है भाई, तो मैम स्ट्रिक्टली मना, ये क्रॉस लगाओ फटाफट से, आ जाओ इस पे क्रॉस लगाओ, है ना, इस पे भी लगा दो क्रॉस, मैम अब हमें कुछ नहीं करना है जिंदगी में, है ना, इस पे भी क्रॉस लगाओ, बिल्कुल करना है बच्चों, ठीक है, बस ये क्वेश्चंस नहीं करने हैं, जो फालतू के क्वेश्चन कतई करने वाले नहीं क्वेश्चन है, वो नहीं करेंगे। उसके अलावा अब आगे की तरफ आ जाओ बच्चों, आगे की तरफ आ जाओ, पेज नंबर 185
186 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 5.8 वाला जो एग्जाम्पल है वो हर बच्चा करके जाएगा। 5.9 वाला आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पहले पूछा जाता था बट अब नहीं पूछेगा एग्जामिनर, तो मत करना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल वाले पेज टॉपिक पे क्रॉस लगाओ, ये आपके एग्जाम में नहीं आना, ठीक है, सिलेबस से हट गया है। डाई मैग्नेटिज्म, पैरा मैग्नेटिज्म, फेरो मैग्नेटिज्म, इतना प्यारा सा टॉपिक था, इससे फिक्स्ड क्वेश्चन आते थे बट ये हट गया, दुख की बात है, खेद है हमें इस बात का, है ना। उसके अलावा ये जो बच्चों टेबल है डिलीटेड है, ये क्वेश्चन डिलीटेड है, ये वाला क्वेश्चन भी डिलीटेड है, ये ग्राफ डिलीटेड है, ये टॉपिक डिलीटेड है, सब दुनिया डिलीटेड है भैया, क्या मजाक है ना। अब आ जाओ समरी पे, जो बच्चा समरी का पढ़ेगा पॉइंट, क्योंकि मैंने बोला है भाई समरी पढ़ो, तो कहीं बच्चे पढ़ोगे, मुझे उम्मीद है आप मेरी बात मानोगे, तो एक काम करना, ये सेकेंड और थर्ड वाला पॉइंट मत पढ़ना क्योंकि आपके सिलेबस से डिलीटेड पोर्शन है, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, नाइन्थ वाला मत पढ़ना, टेंथ वाला मत पढ़ना, और सारा तो पढ़ना ही पढ़ना बच्चों, सारा पढ़ लेना। अब आ जाओ फटाफट से एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। 5.3 वाला क्वेश्चन स्ट्रिक्टली मना है आपको करना, 5.4 वाला क्वेश्चन नहीं करोगे, इसके अलावा 5.5 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना प्लीज, 5.8 वाला कर लेना, है ना, 5.12 वाला मत करना और 5.14 वाला भी मत करना क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फटाफट से आ जाओ 5.15 वाला भी मत करना स्ट्रिक्टली, ये क्रॉस वाला स्ट्रिक्टली मना है, ठीक है। और सारा मन करे तो कर जाना, किसी का मन कर गया नहीं मैम मैं तो सारा करूंगा, मुझे नहीं पता मैं तो एकदम टॉपर बनना चाहता हूँ, तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन स्ट्रिक्टली मना वाला क्यों ही करोगे बच्चों, बताओ सिलेबस में नहीं क्या करोगे करके। 5.17 नहीं करोगे स्ट्रिक्टली मना है, 5.21 वाला नहीं करोगे स्ट्रिक्टली मना है, 5.23 वाला नहीं करोगे स्ट्रिक्टली मना है, गॉट इट। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 6 पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में पेज नंबर 208 पे एग्जाम्पल नंबर 6.2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाएगा हर बच्चा। एग्जाम्पल नंबर 6.3 भी करके जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 6.4 नहीं करोगे, एग्जाम्पल नंबर 6.5 नहीं करोगे, और ये 212 पेज नंबर पे 6.6 वाला जो टॉपिक है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा करके जाएगा। अब आ जाओ फटाफट से आगे की तरफ आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 6.7 मत करो, बकवास है, एग्जाम्पल नंबर 6.8 करो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आ जाओ आगे की तरफ आ जाओ फटाफट से, पेजेस को क्या हो गया। अब हम आगे की तरफ देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन करना है, आ जाओ पेज नंबर, आ जाओ 6.10 पे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कर लो एसी जनरेटर कर लो, है ना, एसी जनरेटर इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों। 6.11 पे ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमला पैडल्स स्टेशनरी साइकिल, साइकिल वाला क्वेश्चन है ना, साइकिल इतना यू नो मजा आता है चलाने में बच्चों को कुछ, तो वो साइकिल के क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पे आ जाओ आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाओ पेज नंबर 229 पे, ठीक है, 230 पे आओ फटाफट से, 6.4 वाला क्वेश्चन करोगे, 6.11, 6.12, गॉट इट। अब आगे आ जाओ बच्चों, 6.15 वाला क्वेश्चन कर लो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रखा है। चैप्टर नंबर 7 पे आ जाओ बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट में आपको करना है एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ रेजिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए करना है, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 7.1 पे, ये भी करना है, और ये 7.4 वाला टॉपिक एसी वोल्टेज अप्लाई टू एन इंडक्टर भी करके जाना है ऑफकोर्स। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 7.2 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए ही करना है बच्चों, है ना। अब आ जाओ पेज नंबर 241 पे आ जाओ, एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ कैपेसिटर, ये वाला टॉपिक कर लो, है ना। 7.3 वाला एक काम करो आप लोग, स्किप कर दो, नो प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 7.4 स्किप करो, बकवास एग्जाम्पल है, नहीं आता है एग्जाम में, तो सब चीज़ें बकवास है हमारे लिए, जो एग्जाम में पूछी जाएंगी वही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 7.6 पे आ जाओ, एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बच्चा करके जाएगा इसको, अच्छे से करके जाएगा प्रिपेयर। अब आगे आ जाओ बच्चों, आगे आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 7.6 आपको करना है, क्यों करना है बच्चों आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट है भाई, क्या करो। अब आ जाओ पेज नंबर 252 पे, 7.7 वाला जो आपका टॉपिक है वो आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, सो आपको नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 7.8 भी उसी के अकॉर्डिंग डिलीटेड है, तो वो भी आपको नहीं करना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7.7 भी उसके अकॉर्डिंग डिलीटेड है, तो वो भी नहीं करना है। एग्जाम्पल 7.9 बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आपको करना है। एग्जाम्पल 7.10 भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ही करना है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों,
एग्जाम्पल 7.11 बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको करके जाना है अपने एग्जाम से पहले। और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। समरी है भाई, पॉइंट्स टू पॉन्डर है, पॉन्डर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आ जाओ फटाफट से। 7.2 वाला करो, ध्यान से सुनना। 7.4 वाला करो, 7.6 वाला करो, 7.7 वाला करो, है ना, 7.7 वाला करो, हाँ बहुत बढ़िया। 7.12 वाला करो, 13 वाला करो, 7.15 वाला और 7.18 वाला करो, ठीक है, हो गया। अब आ जाओ आगे, 7.21, 7.23, 7.25 ये वाला भी कर लो। अब फटाफट से चैप्टर नंबर आ जाओ 8 पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, आपके इस सिलेबस से डिलीटेड है, ये भी डिलीटेड है, ये पूरा डिलीटेड है पेज। तो इस पे क्रॉस का निशान लगाओ, इस पे भी क्रॉस का निशान लगाओ, फटाफट से क्रॉस लगाएंगे। 8.1 वाला नहीं करना है, क्रॉस कर दो इलेक्ट्रो। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग निशान लगा रहे हो, यहाँ टाइम पास नहीं चल रहा है। मैं बता दूं, पेज नंबर 279 पे आ जाओ, एग्जांपल नंबर 8.4 हर बच्चा करके जाएगा इसको। 8.5 नहीं करोगे, 8.2 नहीं करोगे, 8.3 नहीं करोगे, 8.4 वाला हर बच्चा टॉपिक करके जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्या ही करते हो तुम लोग, क्या ही करते हो, मतलब जो करना चाहिए वो नहीं करते हो, जो नहीं करना चाहिए। ये टेबल हर बच्चा लर्न करके जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गॉट इट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। फ्रीक्वेंसी क्या क्या लर्न करना है, वेवलेंथ रेंज, प्रोडक्शन, डिटेक्शन, सब लर्न करना है, कोई फायदा नहीं, सब कुछ लर्न करके जाओगे। आ जाओ पेज नंबर 285 पे आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर 8.1 स्ट्रिक्टली करना मना है, क्रॉस निशान लगा दो। 8.2 नहीं करना, 8.6 बिल्कुल करके जाना है, 8.10 करके जाना है। और अब आगे आ जाओ बच्चों, हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। तो आगे अब आपका बुक खत्म हो गया बच्चों, बुक खत्म हो गया, कोई फायदा नहीं है ना। तो यहाँ पे आपका पूरी एंड होती है एनसीईआरटी की। आई होप कि आप लोगों ने निशान लगा लिया होगा और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इतनी मेहनत से सारा बच्चों, मैंने इतना रिसर्च किया, इतने दिन मुझे लग गए। आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे, मैम फिजिक्स का भी लगवा दो, फिजिक्स का लगवा दो। बच्चों मतलब आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, इसलिए मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है, मुझे फिर बहुत वियर्ड फील होता है। सो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके मैंने ये वीडियो बनाया बच्चों आप लोगों के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को सच में अच्छा लगा। कमेंट बॉक्स में लिख के कितनी देर लगता है कमेंट करने में, आप लोग कमेंट में लिखो कि मैम हमें बहुत अच्छा लगा, गुड, वेरी गुड, कुछ तो लिखो, है ना, जैसा भी आपको लगा प्लीज़ करके बताओ वीडियो को, है ना। और सेकेंड बुक बच्चों, सेकेंड बुक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, है ना, क्योंकि इसमें मैं अब नहीं कर सकती। सो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए अपलोड होगी। अगर आप लोगों का अच्छा रिव्यू रहता तभी आप लोगों को बिल्कुल वीडियो को लाइक करके जाना है, कमेंट करके जाना ज़रूर से, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की सच में। और जल्दी ही मैं नेक्स्ट बुक की भी अपलोड कर दूँगी, है ना, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा हो जाएगा। और जल्दी, ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।